ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी, लास्ट लेक्चर हमने देखा था व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ट्राइंगल के थ्री साइड, बट इन राइट एंगल ट्राइंगल वन इज हाइपोटेनियस एंड टू आर साइड। हाइपोटेनियस विच साइड? अपोजिट टू 90। ओके नाउ, बट व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिपल थ्री, सेट ऑफ एनी थ्री इज कॉल्ड एज ए ट्रिपलेट। ओके, जैसे टू के लिए हम बोलते हैं डबल, सो थ्री के लिए ट्रिपलेट। सो हियर ट्रिपलेट मीन्स थ्री। सो व्हाट इज थ्री? व्हाट इज ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री। बट व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? सी स्टूडेंट, इफ अ ट्रिपलेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अवर काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। वन स्टार्ट होते हैं वन से, ऑल आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, सो इफ अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर कोई थ्री नेचुरल नंबर्स हैं, ट्रिपलेट मतलब थ्री, इफ अ ट्रिपलेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज सच दैट, ऐसे ट्रिपलेट हो इन दैट द सम ऑफ बिगेस्ट नंबर, सॉरी द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर, उन ट्रिपलेट में जो सबसे बिगेस्ट होगा, पता है ना बिगेस्ट सबसे बड़ा, उसका स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर। इफ इन ए ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, देन सच ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे ही था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर, यहाँ पे नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए हाइपोटेनियस, नॉट ए साइड, ओनली नंबर, नेचुरल नंबर। अगर ट्रिपलेट है, थ्री नेचुरल नंबर हैं, तो उसमें से जो बिगेस्ट रहेगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ट्रिपलेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सपोज थ्री फोर फाइव, दीज आर ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर। ट्रिपलेट मतलब तीन नंबर है ना, थ्री फोर फाइव, दीज आर थ्री नंबर, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रिपलेट। बट आर दे पाइथागोरियन ट्रिपलेट? क्या ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन है? चेक करेंगे। कैसे चेक करना है? इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है? फाइव। तो हमको फाइव का स्क्वायर लेना है। व्हाट इज फाइव स्क्वायर? अभी हमने देखा स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, फाइव फाइव जा 25। नाउ फाइव रिमेनिंग टू साइड, टू नंबर कौन से हैं? थ्री, उसका स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। सी बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर एंड अदर टू नंबर्स, अदर टू नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। व्हाट इज थ्री स्क्वायर? थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर स्क्वायर, फोर फोर जा सिक्सटीन, कितना था स्टूडेंट? इट इज 25। सी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल है, देयरफॉर थ्री फोर फाइव आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वाई? फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इक्वल है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर का सम और बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर बोथ आर इक्वल, देन सच ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर? ट्रिपलेट मीन स्टूडेंट
और एक एग्जांपल लेंगे, एनी नंबर पाइथागोरन, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। हमको चेक करना है कि वेदर दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। सी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है किसको कहते हैं? ट्रिपलेट मीन्स थ्री नंबर, लेकिन कोई भी थ्री नंबर, ऑल थ्री नंबर्स, कोई भी थ्री नंबर लेंगे सब पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए क्या? नहीं होगी। किसको कहेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट? इफ स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। कोई दूसरे दो नंबर जो बिगेस्ट है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। एंड स्टूडेंट, अगर किसी, इफ दीज आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ऐसे लेंथ का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे ना, बिकॉज दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, और इसका अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो सच ट्राइंगल कौन सा होगा? वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वी नो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग अदर स्क्वायर। और मैंने बताया था हाइपोटेनियस बिगेस्ट होता है, इसका मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। सो अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो डेफिनेटली वो मेजरमेंट से जो ट्राइंगल बनेगा, द ट्राइंगल क्या होगा? ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो 3, 4, 5 आर, इफ दीज आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल देन द ट्राइंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। इज दैट क्लियर? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, ट्रिपलेट 3 नेचुरल नंबर। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सेवन 24, 25 आर दीज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? नाउ लेट्स चेक कैसे करते हैं। बिगेस्ट नंबर, हु इज बिगेस्ट? 7 बिगेस्ट है, 24 या 25? ऑब्वियसली 25। तो नाउ टेक 25 स्क्वायर। व्हाट इज 25 स्क्वायर? बताया था मैंने 5 का स्क्वायर 25, 2 के आफ्टर आता है 3, 2 3 जा 6, तो 25 स्क्वायर इज 625। नाउ रिमेनिंग 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, नाउ ये चेक करेंगे। व्हाट इज 7 स्क्वायर? 7 7 जा 49 प्लस व्हाट इज 24 स्क्वायर? हमने लास्ट लेक्चर भी किया था, इट इज 576। ऐड करो 576 और 49, 15 कैरी 1, 12 कैरी 1, यस इट इज 625। दिस इज 625, दिस इज 325, सिंस व्हाट 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देयरफॉर 7, 24, 25 is a what? Pythagorean triplet. ये क्या है? Pythagorean triplet है. Why? Because biggest number का square equal है remaining two number के square के sum के. And if we make a angle, if the length of angle are such that then the triangle is a right angle triangle. और अगर हम ये मेजरमेंट लेकर ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल कैसे होगा? राइट एंगल होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। व्हाई दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट? बिकॉज बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू नंबर के सम के स्क्वायर के सम। इज दैट क्लियर? ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट के यहाँ पे हमने दो देखा है, इफ अ नेचुरल नंबर ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है देन द ट्राइंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ मूव टू सी स्टूडेंट, नेचुरल नंबर यू कैन टेक एनी, और आप चेक कर सकते हो कि वी चार ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। यू कैन टेक, आपकी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज इफ आई टेक स्मॉल स्मॉल नंबर लेंगे 1, 2, 3,
चेक करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं. ट्रिपलेट मतलब एनी थ्री नंबर. ओके सो योर बिगेस्ट नंबर थ्री. व्हाट इज थ्री स्क्वायर? नाइन. नाउ रिमेनिंग वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर. वन स्क्वायर इज वन, टू स्क्वायर इज फोर. कितना आता है? फाइव. बट हियर नाइन. सो हियर थ्री स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. देयरफॉर वन टू थ्री इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और कोई भी नहीं हो सकते, हमको चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? बिगेस्ट का स्क्वायर सेपरेट फाइंड करेंगे, रिमेनिंग टू का स्क्वायर लेकर उसको एड करेंगे. इफ बोथ आर इक्वल देन दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 49. दैट इज लास्ट प्रैक्टिस सेट. ओनली टू प्रैक्टिस सेट. ओके प्रैक्टिस सेट 49. ओके स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 49. इन दैट क्वेश्चन नंबर वन. व्हाट इज द क्वेश्चन वन? फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर. सम सेट्स ऑफ नंबर्स आर गिवन. तो हमें चेक करना है वेदर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. ओके इन दैट फर्स्ट वन थ्री फोर फाइव. हमने यही लिया था ना अभी. थ्री फोर फाइव. ना चेक करेंगे तो कैसे करना है? सी सॉल्यूशन हियर बिगेस्ट नंबर व्हाट? फाइव. देयरफॉर फाइव स्क्वायर चेक करेंगे. कितना आता है फाइव स्क्वायर? 25. एंड रिमेनिंग टू, फाइव के बाद थ्री और फोर. तो टेक थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर. हाउ मच? थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस फोर स्क्वायर इज 16. सो इट इज 25. सिंस और यू कैन राइट इन दिस वे. सिंस व्हाट? बिगेस्ट नंबर फाइव स्क्वायर इक्वल है थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर. देयरफॉर थ्री फोर फाइव सी इज और आर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट. इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. वेरी सिंपल. सिर्फ चेक करना है. यहाँ पे हमें स्क्वायर फाइंड होना चाहिए. ओके नाउ हियर द बिगेस्ट नंबर फाइव. ओके सो यू आर राइट. सिंस नाउ मूव टू सेकेंड वन. What are the number? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Again here student, biggest number. Here. Biggest number. What? 5.
Here also biggest number is 5. Therefore, take 5 square. What is 5 square? Very simple. 25. Now remaining 2 square plus 4 square equal. आप नीचे लिखो या साइड में लिखो. What is 2 square? 2 2 जा 4. Plus, what is 4 square? 4 4 जा 16. कितना था student addition? 16 और 4? 20. And it is 25. Equal है? नहीं है. तो since 5 square, see student, is not equal to 2 square plus 4 square. Therefore, 2, 3, 2, 4, 5 is not a P capital. Pythagorean triplet. Not a Pythagorean triplet. Is that clear, student? Okay. Now, move to next, third one. What is the third one? Numbers are 4, 5, 6. Very simple, student. Try to solve by yourself. What? 4, 5, 6. Hai na? 4, 5, 6. Here, biggest number, 6. Therefore, 6 ka square find karenge. What is 6 square? 6, 6 is 36. Now, remaining, 4 square plus 5 square. What is 4 square? 16. And 5 square, 5, 5 is 25. Kitna hota addition? 6 or 5, 25, 16. 6 or 5, 11, carry 1, 2, 4, 2, 3, 4. It is 41. Are both equal? No. Since, what student? 6 square, matlab bigger number ka square, is not equal to 4 square plus 5 square. Therefore, 4, 5, 6 is not a Pythagorean triplet. Is that clear? Very simple. Now, move to fourth one. Now, what is fourth one? What are the numbers? 2, 6, 7. 2, 6, 7. Now, here student, what is the biggest number? Biggest number is 7. So, therefore, pehle hum 7 ka square nikalenge. What is 7 square? 7, 7 is a 49. Now, remaining 2 square plus 6 square. What is 2 square? 2 2 is 4 plus 6 square. 6 6 is 36. So answer kitna hota hai? It is 40. So since what? 7 square is not equal to 2 square plus 6 square. Therefore, what? 2, 6, 7 is not a Pythagorean triplet. Okay, equal? नहीं है. इसका सब biggest number का square in remaining 2 के square के sum के equal? नहीं है. Is that clear, student? Very simple. Now, move to fifth one.
Now, move to fifth one. 9, 40, 41. Fifth one. 9, 40, 41. Here, biggest number is 41. Okay? Therefore, what is 41 square? मैंने बताया था जिसका 1 होता है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. हाउ? 1 स्क्वायर इज 1. नेक्स्ट नंबर इज 4. 4 में 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 8 एंड 4 का स्क्वायर 16. सो इट इज 1681. 41 स्क्वायर. नहीं आता है तो आप सिंपल स्टूडेंट 41 को 41 से मल्टीप्लाई करो, वैसे भी फाइंड कर सकते हैं. 1 1 जा 1, 1 4 जा 4. नौ सेकेंड नंबर तो फर्स्ट के नीचे प्लस. 4 वन जा 4, 4 4 जा 16. 1 4 प्लस 4 8 6 1. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, डायरेक्ट मेथड और यू कैन मल्टीप्लाई. सो नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. व्हाट इज 9 स्क्वायर? 9 9 इज 81 प्लस 40 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, 0 रहा. 4 का स्क्वायर 16. 1 0 का स्क्वायर में होता है डबल 0. नाउ ऐड करने पर सी ये आएगा ना, सिर्फ यहाँ पे 81 आएगा. तो 1681 एडिशन करने पर 1681. सिंस 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, देयर फोर वॉट 9, 40, 41 इज ए पैथागोरन ट्रिपलेट. ये पैथागोरन ट्रिपलेट है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? नाउ यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ. सिंपल, बिगेस्ट नंबर का उसका स्क्वायर फाइंड करना है, फिर रिमेनिंग 2 का स्क्वायर लेकर उसको ऐड करना है. इफ बोथ आर इक्वल देन पाइथागोरन ट्रिपलेट, नहीं आया इक्वल नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, नाउ मूव टू लास्ट सिक्स्थ वन. Now, what are the numbers? 4, 7, 8. 6th one. 4, 7, 8. What is the biggest number student here? Very good. 8. Now, find karenge. Therefore, 8. So, 8 square. What is 8 square? 8 8 is 64. Now remaining 4 square plus 7 square. What is 4 square? 4 4 is 16 plus 7. 7 7 is 49. Now check karo kitna aata hai. 49 or 16. 9 or 6, 15, carry 1. 4, 5, 4, 5, 6. It is 65. एक एक्स्ट्रा था ना स्टूडेंट, वहां पर 64 है. सिंस देन व्हाट? 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, देयरफॉर व्हाट? 4, 7, 8 is not a Pythagorean triplet. Is that clear all of you student? बहुत ही simple exercise है. Okay? You have given triplet. आपको triplet है, but आपको check करना है whether they are Pythagorean triplet or not. तो कैसे check करेंगे? Biggest number लेंगे, उसका square. If its square equal remaining 2 number का square लेंगे, उनका addition करेंगे. इफ बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा तब होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इक्वल नहीं आएगा इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट.
Is that clear, student? Now move to question number 2. ऐसे ही मेरी question number 2 है. What is question number 2? The sides of some triangles are given. See, triplet के लिए उन्होंने क्या लिखा है? Sides of triangles. We know triangle के 3 side होते हैं. तो again you have given triplet. Find out which one are right angle triangle. तो देखना है कि कौन सा triangle right angle है. अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेंगे तो राइट एंगल होगा, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा. इज दैट क्लियर? नाउ ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इन दैट फर्स्ट वन. इन दैट अगेन फर्स्ट वन सी वही करना है. व्हाट आर गिवन? 8, 15, 17. 8, 15, 17. ओके नाउ लेट्स चेक. ओके सेम स्टूडेंट, हियर बिगेस्ट नंबर व्हाट? What is the biggest number? 17. Therefore, 17 का square find करेंगे. What is 17 square? मैंने लिखी दिया था आपको 20 तक, नहीं आता है तो learn करो. 17 को 17 से multiply करेंगे. It is 289. Multiply 17 with 17. 289. And again remaining 8 square. 17 बिगेस्ट हो गया ना, रिमेनिंग 2. 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. व्हाट इज 8 स्क्वायर? 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. 1 के बाद आता है 2, तो 1 2 जा 2. 225. नाउ 225 और 64 को ऐड करो. 9, 8, 2. Yes, it is 289. So it is a Pythagorean triplet. Therefore, it is a right angle triangle. Since what? 17 square equal hai 8 square plus 15 square. Therefore, 8, 15, 17 is a Pythagorean triplet. Therefore, हमें क्या लिखना है स्टूडेंट? Therefore, it is a right angle triangle. Therefore, it is a राइट एंगल्ड है ना? यस, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सेम जैसे हमने लास्ट किया ना एक्सरसाइज, वैसे ही करना है यहां तक. सिर्फ अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ मूव टू सेकेंड वन. व्हाट इज सेकेंड? 11, 12, 15. 11, 12, 15. So here biggest number what student? What is biggest number here? Yes, very good. 15. So therefore 15 स्क्वायर, अभी हमने फाइंड किया था 15 स्क्वायर इज 225. 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद आता है 2, तो 1 2 जा 2. नाउ रिमेनिंग 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. व्हाट इज 11 स्क्वायर? 121. ये तो याद है, 11, 12 and 12, 144. 11 square 121, 12 square 144. Addition
4 or 1, 5. 4 or 2, 6. 1 or 1, 2. 265. Not equal. See, addition aap aise bhi karo student. 5, 6, 2. So here, what? Since 15 square equal and not equal hai? Not equal to 11 square plus 12 square. Therefore, 11, 12, 15 is not a Pythagorean triplet. Therefore, it is not a right angle triangle. It is not a right angle triangle. Is that clear, all of you student? Again, very simple, same. Now move to third one. Now, third one, numbers are 11, 60 or 61. Bigger number, 61. So, therefore, 61 ka square. Kaise nikalte hain 1 ka square? Jiske end mein 1 rehta hai. 1 ka square, 1. आप सी स्टूडेंट 6 में 6 मिलाएंगे तो कितना होगा 12. तो 12 का 2 कैरी 1. 12 का 2 कैरी 1. और 6 का स्क्वायर 36. 36 में 1 मिलाएंगे 37. इट इज 3712. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ next number 3721. कैसे find किया? See student, मैंने बताया था जिसके end में 1 रहता है तो 1 का square 1, पहले 1 का square, फिर इसी में यही number add करेंगे 6 plus 6, लेकिन यहाँ पे 2 digit आया है, 12 आता है, तो 12 का 2 carry 1. now इसका square अब 36, 6 का square 36, carry 1 मिलेंगे 37. If, अगर आपको ये याद नहीं है स्टूडेंट, सिंपली मैंने बताया 61 को 61 से मल्टीप्लाई करो, ये याद आएगा. ओके, नाउ रिमेनिंग टू, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. 11 का स्क्वायर अभी देखा था हमने 121. नाउ 60 का स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, 6 का स्क्वायर 36, 10 के डबल जीरो. नाउ ऐड करो 3600121 कितना होगा 1273. सी स्टूडेंट बराबर आ गया ना 3721. सेम 61 स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. देयरफॉर व्हाट 1161 is a Pythagorean triplet. Therefore, it is a right angle triangle. Triplet hai, isliye right angle triangle. Okay? Now, next. Fourth one. See, 1.5, 1.6, 1.7. Fourth one.
1.5, 1.6, 1.7. यहाँ पे पॉइंट आ गया स्टूडेंट, डोंट टेक टेंशन. सो यर बिगेस्ट नंबर ऑब्वियसली 1.7. सो देयरफॉर 1.7 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल है. पॉइंट भूल जाओ, सपोज पॉइंट नहीं है तो व्हाट इज दिस नंबर 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289. सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे डेसिमल, स्क्वायर में वन डिजिट के बाद डेसिमल था, वन डिजिट के बाद, तो स्क्वायर में क्या होगा, टू डिजिट के बाद, तो वन टू डिजिट के बाद डेसिमल, बस हो गया. डेसिमल कंसीडर नहीं करना है, तो इट बिकम्स 17. 17 का स्क्वायर राइट 289, बट डेसिमल वन डिजिट के बाद, तो स्क्वायर में होगा डबल, टू डिजिट के बाद, तो वन डिजिट यहाँ से यूनिट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, देन डेसिमल, सेम ऐसे ही करना है. देन 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर डायरेक्ट 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन वन डिजिट के बाद डेसिमल, टू डिजिट के बाद डेसिमल, प्लस रिमूव करो 16, 16 का स्क्वायर 256, नहीं आता तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 20 तक आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए स्टूडेंट, 30 तक होना चाहिए, तो 16 256, अगेन 1 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 2 के बाद डेसिमल. नाउ सिंपली ऐड दिस टू, कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 256, नॉर्मल एडिशन, 5 + 6 = 11, कैरी 1, 5, 6, 7, 8, पॉइंट 2 + 2 इट इज 4, सो इट इज 4.81, इक्वल है नो, सिंस व्हाट 1.7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 1.5, 1.6, 1.7 इज नॉट ए पैथागोरन ट्रिपलेट, देयरफॉर इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल. पैथागोरन ट्रिपलेट नहीं है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, लास्ट. फिफ्थ वन, व्हाट आर द नंबर्स? फिफ्थ वन नंबर्स आर वेरी सिंपल, 40, 20, 30, ऑल जीरो, 40, 20, 30, है ना? सो यर विच वन इज बिगेस्ट? 40. तो 40 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल, कैसे करना है, जिसके जीरो होता है 4 स्क्वायर, 4 × 4 = 16, और 1 का डबल जीरो, इट इज 1600. नाउ देयरफॉर नेक्स्ट 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 10 के 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 10 के 00, एडिशन 2020 एज इट इज, 9 + 4 इट इज 13, ये 1300 है, ये 1400 है, नॉट इक्वल है, सिंस 40 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, देयरफॉर 40, 20, 30 इज व्हाट?
not a Pythagorean triplet. Therefore, it is not a right angle triangle. Is that clear, all of you student? ये क्या है? Right angle triangle? नहीं. Very simple. बहुत ही easy topic है. Only 2 practice set and this practice set 49 तो बहुत ही easy है. Only you have given triplet. आपको देखना है वो Pythagorean triplet है या नहीं. क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहा तो यहाँ तक आपका आंसर आएगा. इफ अगर रहेगा कि वो राइट एंगल है या नहीं तो एक लाइन. अगर Pythagorean triplet है देन इट इज ए राइट एंगल ट्रैंगल. इफ इट इज नॉट ए Pythagorean triplet देन इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रैंगल. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? समझ में आ गया? वेरी सिंपल. अगेन गो बाय ईच प्रैक्टिस सेट 48, 49 एंड अगेन इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें मैंने बताया था how to identify the hypotenuse, what is Pythagoras theorem, okay? Because it is very important. यहाँ ये आपको आगे बहुत ही यूज होगा स्टूडेंट. इन एवरी ज्योमेट्री में जो आपको जो पार्ट सेकेंड होता है टू शो द अगेन देर इज अ टेस्ट फॉर congruency ऑफ ए ट्राइंगल के हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स वॉट? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट साइड टू 90 इज कॉल्ड एज ए हाइपोटेनियस. अगेन जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आपको 8th और 9th स्टैंडर्ड में है अगेन देर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ Pythagoras theorem, right angle triangle and trigonometry. Okay? So Pythagoras theorem is very very important student and बहुत ही easy है. सिर्फ आपको जब भी Pythagoras theorem mind में आएगा right angle triangle. Right angle triangle, hypotenuse. Hypotenuse, Pythagoras. Is that clear? So here we completed our lesson number 13, Pythagoras theorem. Now in next lecture, we are going to start our next lesson. Lesson number 14, what? It is algebraic formula or expansion of squares.